हेलो बच्चों, आज हम क्लास सिक्स का जो चैप्टर थ्री है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर थ्री का नाम है, तो चैप्टर थ्री का नाम क्या है? प्लेइंग विद नंबर। नंबरों के साथ क्या करना है हमको? प्लेइंग करना है। प्लेइंग के मतलब नंबरों के साथ खेलेंगे। ठीक है ना, किस टाइप से खेलेंगे वो आ रही है। सबसे पहले दो चीज समझ लीजिए इसमें क्या करना है। एक तो आप फैक्टर के बारे में समझ लीजिए और एक आप मल्टीपल के बारे में समझ लीजिए। फैक्टर क्या होता है? मल्टीपल। फैक्टर का मतलब होता है गुणन खंड, और एक होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। क्या होता है? गुणनखंड और गुणज। तो इस टाइप से आप गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है, या फैक्टर और मल्टीपल क्या होती है, तो सबसे पहले मैं आपको फैक्टर के बारे में बताऊँ। फैक्टर का मतलब होता है, जैसे माना मैंने कोई नंबर है 8, मैंने कहा आपको 8 के फैक्टर निकालिए। तो 8 के फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि ये नंबर है, एट नंबर है, किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। एट नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है? तो एट तो फर्स्ट से भी होता है, एट तो टू से भी होता है, एट तो फोर से भी होता है, और एट लीड से भी होता है। ये इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। इसके बाद तो एट किसी से डिवाइड नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि हमने निकाली एट का, और एट में एट आ गया तो इसका मतलब है कि इसके पास से भी एट क्या नहीं होगा, डिवाइड होगा नहीं। तो ये 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, और 8 से भी चला जाएगा, इसका डिवाइड हो जाएगा इसका। तो इसका मतलब, अच्छा सर इसको भाग देख देख के देखना है। हाँ, भाग देख देख के देखना है आपको, डिवाइड कर करके देखना है कि इसमें अगर डिवाइड चला, अगर किसी नंबर, यहाँ से मान लो 8 में 8 कोई ना, मतलब 8 नंबर है और आप किसी नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड हो जाता है, तो वो उसका फैक्टर होगा। ठीक है ना, तो ये 1 से क्या हो जाता है, फैक्टराइज हो जाता है, 2 से भी फैक्टराइज होता है, 4 से भी एक डिवाइड हो जाता है, और 8 से भी डिवाइड हो जाता है। इस टाइप से होते हैं फैक्टर। अब आते हैं मल्टीपल। मल्टीपल जैसे लिखा मेरे पास 5, हमसे बोला गया कि 5 के मल्टीपल लिखिए, 3 मल्टीपल लिखिए 5 के। तो 5 के 3 मल्टीपल लिखना है, इसका मतलब है कि 5 बन गया 5, 5 बन गया 5, 5 2 और 5 3। 5 10 मतलब गुणा करते जाना है 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, जितने बोले उतने मल्टीपल लिखना है आपको। आपसे बोले कि 10 लिखिए तो 10 बार गुणा करना है। ठीक है ना, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फाइव, 6 7 8 9 10। ठीक है ना, फिर हम बोले 20, 20 लिखिए तो 20 तक करिए, 30 बोले 30 तक करिए, इतने बड़े आगे टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना, 5 3 बोलेगा, 3 बताइए, 5 बताइए, मल्टीपल बताइए। तो इस टाइप से होते हैं मल्टीपल। अब चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फैक्टर फाइंड करना है। फैक्टर के बाद हम जानते हैं क्या बोल रहा है, फैक्टर 8 दिया है। तो 8 के तो हमने फैक्टर निकाल लिए, ठीक है, आगे फैक्टर ऑफ 8, 8 के फैक्टर क्या होंगे हमें बताइए ना, अभी 1 2 4 और 8। इस टाइप से ये फैक्टर होगा, फिर निकालने हैं हमको किसके, 18 के। ठीक है ना, तो ये 8 के फैक्टर होगा। फैक्टर मैंने बताया इस नंबर को डिवाइड, तो 8 के बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। देखते हैं 18 के फैक्टर, तो यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर ऑफ 18। अब 18 किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो देखना है। तो ये सबसे पहले तो फर्स्ट से तो आगे ही होता है, तो 1 से होगा ही होगा, 2 से हो रहा है, हाँ 2 से हो रहा है, क्योंकि 2 की टेबल में 18 आता है, 3 से हो रहा है, हाँ 3 की टेबल में क्या आता है, 18 आता है, 3 6 18। सर 4 से हो रहा है, तो 4 की टेबल में 18 तो आता नहीं है, तो नहीं हो रहा। 6 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 5 की टेबल में भी नहीं आता, 6 की टेबल में 18 आता है, 9 की टेबल में आता है, और फिर 18 की टेबल में आता है, फिर किसी की टेबल में नहीं आता। इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 6 9 और 18। लास्ट में वो नंबर जो दिया है वो नंबर आ जाएगा, इसके बाद फिर उसका कोई क्या नहीं होगा, फिर वो किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप से इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं इसको 7 के बारे में। इसकी क्या क्या फैक्टर होंगे सर, देखेंगे फैक्टर ऑफ 1 6 8। इसके फैक्टर निकालने हैं हमको, इसके फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो
बाद टू का फैक्टर होगा, टू से ही कट जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल चला जाएगा। थ्री से चला जाएगा क्या? तो देख लीजिए थ्री से कट चला जाएगा। कैसे चला जाएगा कि थ्री फाइव जा फिफ्टीन वन का छा और थ्री सिक्स जा एटीन। फोर से चला जाएगा, देख लेते हैं फोर से भी चला जाएगा क्योंकि फोर फोर या सिक्सटीन और फोर टू या एट। फाइव से नहीं जाएगा, सिक्स से चला जाएगा, सिक्स टू चला जाएगा क्योंकि सिक्स टू या ट्वेल्व फोर बचे और सिक्स से या फोर्टी एट होते हैं। सेवन से चला जाएगा क्या? हाँ सेवन से भी चला जाएगा क्योंकि सेवन टू या फोर्टी और फोर्टी टू बचे और सेवन फोर या ट्वेंटी एट तो ये चीज आ जाएगा। क्या ये एट से चला जाएगा? चला जाएगा। नाइन से चला जाएगा क्या? नाइन वन या नाइन नहीं जाएगा। टेन से नहीं जाएगा। फिर इलेवन से, तो इलेवन नहीं जाएगा। ट्वेल्व, ट्वेल्व से चला जाएगा क्या? देखिए चला जाएगा, ट्वेल्व से चला जाएगा। फिर फोर्टीन से देखिए चला जाएगा। सिक्सटीन से देखिए, सिक्सटीन से नहीं जाएगा ठीक है ना। सेवनटीन से नहीं जाएगा। नाइनटीन से देखिए ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको क्या करना है? इस टाइप से आपको डिवाइड करते चलना है। क्या करते चलना है? डिवाइड करते चलना है। इस टाइप से आपको क्या आ जाएगा? आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसके क्या क्या होंगे? इसके जो फोर्टीन होगा फिर एटीन, तो फिर एटीन हो जाएगा इसका, फिर ट्वेंटी सेवन होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको क्या करते चलना है? इसको डिवाइड करते चलना है। लास्ट में आपका यहाँ पर ट्वेंटी भी होगा, ट्वेंटी फोर भी होगा, डॉट 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 यहाँ पर बहुत सारे आएंगे, लेकिन लास्ट में आपका क्या निकल कर आ जाएगा? सिक्सटी एट निकल कर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपके क्या हो जाएंगे? आंसर आ रहा है। मैं आप यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएंगे आपके ठीक है ना। आप डिवाइड करके एट्टी वन में यहाँ पे एट्टी वन आएगा, एट्टी वन फिर वन हंड्रेड एट आएगा, सॉरी यहाँ से ये फिर आएगा ट्वेंटी वन, फिर आएगा ट्वेंटी फोर, फिर आएगा आपका ट्वेंटी एट, फिर आएगा फोर्टी टू, फिर आएगा फिफ्टी सिक्स, फिर आएगा आपका एट्टी फोर और फिर आ जाएगा आपका वन सिक्सटी एट। इस टाइप से क्या हो जाएंगे? ये फैक्टर हो जाएंगे। आप इनको डिवाइड कर करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा ठीक है ना। ये बहुत थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिजिट लंबी थी ठीक है ना, इसलिए इसके फैक्टर कुछ ज़्यादा ही आ रहे। ऐसे ये कोई नंबर दिया है इसमें थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर, तो 324 को आपके करना है, 324 को क्या करना है आपको करना है, उसके फैक्टर कर करके देखिए आप, मतलब नंबर से डिवाइड कर करके देखिए कि किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है ठीक है ना, किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है तो फैक्टर करते हैं ठीक है ना। तो इस टाइप से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, हमने फैक्टर के बारे में बहुत कुछ जान लिया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर क्या होता है, किस टाइप से और जो बचे क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, फैक्टर आपको आने लगा है ठीक है ना। हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर फैक्टर के कर लिए हैं, तो बचे जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं फैक्टर का। जो 324 है उसका करके देखिए, उसका भी कुछ ज़्यादा ही लंबा जो आंसर आएगा वो कुछ ज़्यादा ही आएगा ठीक है ना। तो थोड़ा सा उसको भी थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है कि फाइंड वेदर 87 इज द फैक्टर ऑफ, मतलब जो 87 है ना, जो 87 है यहाँ पर दिया है 87 और यहाँ पर दिया है 7 4 8 3 5 2, 1 7 4 8 1 7 4 8 3 5 2 3 5 2। तो ये बोल रहा है कि 87 इसका फैक्टर है, तो क्या करेंगे? 87 से इसको डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा कि इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? 8 3 5 2, कुछ नहीं करेंगे 87 से, क्या करेंगे? तो 87 में होते हैं 174, ये तो चला जाएगा। फिर यहाँ पर लगाएंगे 0, फिर यहाँ पर 80 क्या बता देंगे? 3 5 बता देंगे, फिर कितनी बार देंगे, कितनी बार जाएगा? ये आएगा 6 बार, 5 बार, 5 बार देखते हैं। 5 सेवन में होते हैं 35,
कि फाइव यहाँ पे फाइव आ गया, कैरी आ गई टू और सॉरी थ्री, थर्टी फाइव फाइव सेवन या थर्टी फाइव की फाइव एरिया फोर्टी, फोर्टी में थ्री ऐड करेंगे तो सेवन तो ये आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया, तो फाइव एरिया फोर्टी और फोर्टी में थ्री ऐड करेंगे तो फोर्टी सेवन होगा, ठीक है, फोर्टी सेवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्टी फोर्टी थ्री हो जाएगा, तो ये फोर्टी फाइव हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा, ठीक है ना, फिर किससे देंगे, फिर सिक्स देंगे, सिक्स सेवन या कितने होते हैं फोर्टी टू, टू भी टू आ गए, कैरी आ गए, फोर सिक्स फोर या कितने होते हैं सिक्स एट या फोर्टी एट, फोर्टी एट में फोर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्टी एट में फोर ऐड करेंगे फिफ्टी टू होगा, तो फिर नहीं देंगे, फिर सेवन से देंगे, सेवन सेवन का कितने होंगे, सेवन सेवन का फोर्टी नाइन, नाइन क्या है कैरी आई फोर आठू साधु, मतलब एट सेवन का फिफ्टी सिक्स हो गए, ठीक है ना, फिफ्टी सिक्स में हम फोर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्सटी, तो फिर नहीं देंगे, तो ये एट से देंगे, ठीक है ना, एट से देंगे, एट से मिल जाए फिफ्टी सिक्स होते हैं, फिफ्टी सिक्स की सिक्स एरिया आ गए फाइव, और एट एरिया, एट एरिया होते हैं सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर में क्या करेंगे फाइव ऐड करेंगे तो सिक्सटी फोर में फाइव ऐड करेंगे क्या हो जाएगा सिक्सटी नाइन हो जाएगा, तो सिक्सटी नाइन, फिर नाइन से देंगे, ठीक है ना, तो नाइन से मिल जाए होते हैं सिक्सटी थ्री, सिक्सटी थ्री की थ्री कैरी आए सिक्स, और नाइन सेवेंटी टू, सेवेंटी टू में सिक्स ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा सेवेंटी एट, तो सेवेंटी एट यहाँ पर लिख देंगे, फाइव टू बचा ये चले गए तो फाइव बचा और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, नंबर क्या बचा है टू, अब ये पूरा का पूरा कितनी बार चला जाएगा, तो ये चला जाएगा हमारा फोर बार, कुछ गलत तो नहीं किया हमने, नौ सात छह सात तीन नौ सात छह आठ नौ बहत्तर बहत्तर छह बहत्तर फाइव में थ्री गया टू बचा एट में से थर्टीन में से एट गए तो फाइव बचे, हाँ अब देखते हैं ये फोर से नहीं जाएगा फाइव, सिक्स सिक्स बार देंगे तो सिक्स से एरिया कितने होते हैं फोर्टी टू, फोर्टी टू की टू कैरी आई कितनी फोर, और सिक्स एरिया फोर्टी एट, फोर्टी एट में फोर एड करेंगे तो फिफ्टी टू, तो इस टाइप से ये क्या निकल कर आया, इस टाइप से क्या हो जाएगा पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको देखेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा फाइव हंड्रेड ट्वेंटी टू, तो यहाँ पर भी आ जाएगा फाइव हंड्रेड ट्वेंटी टू, ये कैंसिल हो जाएगा, इस टाइप से इसका क्या रिमाइंडर जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि एट्टी सेवन इसका क्या है एक फैक्टर है, तो इस टाइप से हम लिखेंगे इसी क्वेश्चन को आगे के आगे लिखेंगे हम कि 87 इज द फैक्टर ऑफ जो डिजिट दिया फोर का, तो यहाँ पर लिखेंगे 87 इज द फैक्टर ऑफ इसका 174852 ये फैक्टर है, ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट वाला मैंने आपको सॉल्व करा दिया, क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड वाला आपको फाइंड करना है, उसमें कुछ नहीं करना, वो बोल रहा है कि बताइए 39 जो डिजिट दिए उसका क्या आएगा फैक्टर है क्या नहीं है, तो मैंने आपको बताया अभी कुछ नहीं करना, 39 जो डिजिट दिए उसको क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आ जाता है, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो आपका वो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं है, उस टाइप से आप सॉल्व करिए, आपका होमवर्क है, ठीक है ना, आप सॉल्व करें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है फाइंड द मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो मल्टीपल फाइंड करना है, ठीक है ना, फर्स्ट में अब उसने ये नहीं बोला कि फाइव कीजिए, थ्री कीजिए, फोर कीजिए, फर्स्ट कीजिए, टू कीजिए, उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि आप सिर्फ इसके क्या कीजिए मल्टीपल बताइए, सिक्स के मल्टीपल क्या होंगे, तो मल्टीपल मल्टीपल ऑफ सिक्स, सिक्स के मल्टीपल क्या होंगे, तो सिक्स वन में सिक्स, सिक्स टू और सिक्स थ्री, सिक्स फोर, तो यहाँ पर लिखेंगे सिक्स ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर, डॉट 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 डॉट, ये हमको पता नहीं था क्या कर जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने ऐसा कहा तो नहीं है हमसे कि सिक्स के फाइव निकालिए, फोर निकालिए, ट्वेल्व निकालिए, टेन निकालिए, उसने कहा है मल्टीपल निकालिए, हमने क्या किया
इसकी चाय आप फ्री में निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, फिर डर डर लगा सकते हैं, आप जितने निकाल सकते हैं उतने निकाल लीजिए, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बता दी, 4 यहाँ पर निकाल कर बता दी, आप चाहें तो 5 तक भी निकाल सकते हैं, 6 तक, उसने ऐसा कहा नहीं है, ठीक है ना। और आप चाहें तो 2 तक भी निकाल सकते हैं मल्टीपल, इसका फर्स्ट और 2 निकाल कर फिर डॉट 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 लगा सकते हैं, तो आप कितना भी निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ये है 6 का मल्टीपल, इस टाइप से मल्टीपल होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 12 ले आए, तो इसका भी यही करेंगे कि मल्टीपल ऑफ टॉय, तो टॉय के मल्टीपल निकालेंगे, तो टॉय के मल्टीपल निकालेंगे ये कराएंगे, टॉय वन या टॉय टॉय टू टॉय थ्री और टॉय फोर। एक बात याद रखनी है यहाँ पे कि उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है हमसे कि 5 मल्टीपल निकालिए, 6 निकालिए, 2 निकालिए, 3 निकालिए, उसने कहा है मल्टीपल निकालिए। अब उसने कहा है मल्टीपल निकालिए तो हम 2 भी निकाल कर डॉट 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 लगा सकते हैं, क्योंकि उसने ऐसा तो कहा नहीं है, पता नहीं है कहाँ तक जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि ये तो जाएगा ही, इसलिए हम ये यहाँ तक 4 तक निकालेंगे, 96 और 48 से फिर हम क्या लगा देंगे डॉट डॉट डॉट, क्यों, क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला कि आप 4 निकालिए, 5 निकालिए, 6 निकालिए, उसने कहा है मल्टीपल निकालिए, तो हमने 4 तक उसके मल्टीपल की मल्टीपल निकालिए, अब डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, 5 भी होगा, फिर 6 से भी होगा, 7 से भी होगा, 10 11 12 बहुत ज़्यादा होगा आगे तक, ठीक है ना। इस तरह से 2 क्वेश्चन मैंने आपको मल्टीपल के करा दिए, वैसे भी आपको मल्टीपल के बारे में थोड़ा सा पहले से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। मल्टीपल क्या होता है, तो गुणा होता है, किसी भी नंबर का गुणा। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर के फर्स्ट और सेकंड मैंने करा दिए, थर्ड और फोर्थ तो आपको कर लो, आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालनी है आपको, क्या निकालनी है, फर्स्ट 5, अब इसमें बोला है 5 मल्टीपल निकालनी है, इसमें 6 के 5 मल्टीपल निकालनी है, मल्टीपल ऑफ 6 निकालेंगे तो 6 के 5 निकालेंगे, ठीक है ना। इतना याद रखना है, जो क्वेश्चन 4 लेगा वो कह रहा है कि सिर्फ 5 बताइए, और जो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इसके मल्टीपल बताइए, हमको पता नहीं है मल्टीपल कहाँ तक जाएगा, उसने बोला कह नहीं है 7 तक मल्टीपल निकालिए, 8 तक निकालिए, ठीक है, लेकिन इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4 का है उसमें बोल रहा है कि सिर्फ 5 ही निकालना है, तो हम 5 तक निकालेंगे। और 6 5 आ रहे हैं, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा, और यहाँ पर 30 आ जाएगा, ठीक है ना। तो उस टाइप से 5 निकल आ रहा है, 6 के 5 मल्टीपल, 6 के ये क्या होगा, 5 मल्टीपल हो गया, क्या होगा, 5 मल्टीपल। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, है 12, सारे नंबर वही वही दे रखे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर 24, यहाँ पर 36, यहाँ पर 48 और यहाँ पर 60, ये हो गए 12 के 5 मल्टीपल। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर पूरे वो भी आपका क्या आएगा, मल्टीपल से ही है, 5 मल्टीपल निकालें, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है निकालना, कोई भी इसमें टफ नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, जो इस एक्सरसाइज का क्या आएगा, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कह रहा है, फाइंड द 8th मल्टीपल ऑफ 18, ये 18 है, और क्या निकालना है हमको, द 8th मल्टीपल ऑफ 18, क्या निकालना है, 80 का 8th मल्टीपल निकालना है, मतलब कि 8th तक नहीं निकालना, सिर्फ 8 बार निकालना है, क्या करेंगे, 8th निकालना है, 8th मल्टीप्लाई करना है,
8 निकालना है तो हमें नहीं है, इस टाइप से 640 आपके क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक है ना। इस टाइप से बोल रहा है कि द मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट था, ठीक है, सिर्फ इसका 8 वाला करना था, सिर्फ 8 का निकालना था, क्या निकालना था, 8 का मल्टीपल क्या होगा, तो 8 का मल्टीपल ये होगा, 8 का मल्टीपल बोल रहा है 8 से करा दीजिए, अगर 9 बोलता 9 का मल्टीपल निकालिए तो 9 से करा दीजिएगा, 10 बोले तो 10 से कीजिएगा, फिर जो बोले उससे करा दीजिएगा, ठीक है, जो बोले उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला बोल रहा है कि 5 के मल्टीपल निकालिए जो 30 और 52 के बीच में आते हैं, सॉरी 62 के बीच में आते हैं, ठीक है ना, तो क्या निकालना है, द मल्टीपल, द मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 32 और 32 एंड 62, तो क्या होगी, तो 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा, 50 होगा, 55 होगा और 60 होगा, 65 नहीं होगा, 62 तक निकालना है, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या हो जाएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला भी आपका सॉल्व हो गया, एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। आप जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए वो बहुत अच्छे से करना है आपको, मल्टीपल निकालना है, फैक्टर निकालना है, ठीक है ना, तो फैक्टर निकालिए आप, फैक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं, ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, फैक्टर होता है, और मल्टीपल निकालने के लिए 1, 2, 3 से गुणा करते चल रहे हैं, अब जितना बोल रहा है उतनी मल्टीपल निकाल लेते हैं, 10 बोल रहा है 10 तक निकालेंगे, 5 बोल रहा है 5 तक निकालेंगे, इस टाइप से एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है 3.1। ये जो लेक्चर है वो इतने सुना था, थैंक यू वेरी मच, लेक्चर में धन्यवाद।